हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं जा रही हूँ लिलोटी रात मंदिर में दर्शन करने के लिए। मेरी फ्रेंड्स और हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। देखिए काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग जाते हैं, काफ़ी दूर दूर से काम लिए आते हैं दर्शन करने के लिए। मस्ती कर रही है। पागल है, कुछ भी बोलती है। और हम लोग बस पहुँचने वाले भी हैं मंदिर। काफी कांवरिया वगैरह सब जाते हैं, कांवरिया दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से ऑटो से उतर के हम लोग अंदर तक पैदल जाते हैं। अभी रास्ते में आपको बहुत सारी सुंदर जगह दिखाऊंगी मैं आपको। काफ़ी सजा हुए लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, आते हैं दूर से। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का दृश्य, हरियाली है चारों तरफ, पेड़ पौधे हैं, बीच में लिलोटीनाथ मंदिर है। देखिए कांवड़िया कितनी दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, जैसे जिसकी श्रद्धा होती है। अरे वो आ रहे हैं। और हम झूलते नाचते हुए मंदिर की तरफ पहुंच गए हैं। ये मेरी फ्रेंड्स, हम पहुंच रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। बस जस्ट पहुंच ही रहे हैं हम लोग। और हम आ चुके
जाते हैं यहाँ से, मंदिर दिखता है। बच्चों के खिलौने की दुकान, बोलो। हम लोग भी बचपन में बहुत खेलते हैं, गुल्लक है, पैसे जोड़ते हैं। आप लोगों ने भी गुल्लक खेली होगी बचपन में, काफी भीड़ रहती है, मेला रहता है यहाँ पे, बहुत अच्छा मेला रहता है। आपको काफी भीड़ है, हम लोगों ने प्रसाद प्रसाद ले लिया, अब हम चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। अगर आप लोग ने दर्शन अभी तक नहीं किए हैं तो एक बार जरूर आइए यहाँ पे, दर्शन करिए और यहाँ की चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन जरूर करिए जो रंग बदलती रहती है। आप आइए लिलोटीनाथ मंदिर में, लखीमपुर में ही महिवागंज के पास में स्थित है, एक बार दर्शन जरूर करिए। यहाँ बहुत सच्चे भोले बाबा हैं, आपकी मनोकामना सारे देवी आप सच्चे दिल से मांगेंगे सभी की, जो भी श्रद्धालु जैसे श्रद्धा से आते हैं और उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो आप लोग भी आइए एक बार और यहाँ पे दर्शन करिए चमत्कारी मंदिर की। इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में अश्वत्थामा ने खुद की थी। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पांडव जब वनवास गए थे तो अश्वत्थामा ने ही इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। पुजारी ये भी बताते हैं कि आज भी इस मंदिर में जब सुबह कपाट खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर शिव पुष्प और बेलपत्र आदि चढ़ा मिलता है। यहाँ पर पूजा करी होती है 4 बजे। दर्शन मिल गए हैं और अब मैं जा रही हूँ टीका लगवाने पर नीचे से। दर्शन कर लिए, हम मस्ती भी थोड़ा करते हैं। ये है तीरथ, यहाँ पे हम लोगों ने पहले पूछा कि उसके बाद देखो सब मस्ती कर रहे हैं। आप हम लोगों ने दर्शन कर लिए है, अब मैं कुछ खरीद लेती हूँ लॉकेट वगैरह। यहाँ पे काफी दुकानें रहती हैं। आप कुछ भी लेना चाहते हैं यहाँ पे आराम से आपको मिल जाएगा। बच्चों के झूले भी हैं, आज सब भी बच्चे होते हैं, झूला झूलती मैं भी, मन कर रहा था बच्चे नहीं पाई। और हम मेला देखते हुए
बियर की भी दुकानें हैं, सारे खिलौने भी हैं और बियर की वजह तो यहाँ पे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आपको बताइए आपको शॉपिंग करना कैसा लगता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में बताइए, जानकारी बोले। और उसके बाद तक देखो मुझे टेडी बेयर मिलता है, उसके साथ हम लोग मस्ती करते हैं, उसका डांस देखिए आप बताइए कैसा लगता है।